आप उस नौजवान की पीड़ा को समझो जो 1.5-2 साल मेहनत करे, जिसके माँ बाप उसकी कोचिंग ट्यूशन के लिए पैसा इकट्ठा करें, किताब खरीदें, किराए के हॉस्टल में वो रहे, खाना पीना खर्च करे, 2 साल तैयारी के बाद वो पेपर लिखने जाए, पेपर लीक हो जाए और कैंसिल हो जाए, तो वो बेचारा बच्चा है, बच्ची ओवरेज हो जाए, उनके घर वाले में क्या बीतती होगी। और जो पेपर लीक होता है, ये करप्शन की वजह से लीक होता है ना, अगर किसी पास पैसा है हो सकता है वो पेपर खरीद ले, लेकिन ये पूरी व्यवस्था को बदलना चाहिए। मूल चूक परिवर्तन जब तक हम नहीं करेंगे, इस पूरे इंस्टीट्यूशन को जो ये कार्टेल बना हुआ है उस पर प्रहार करना पड़ेगा ना, ताकि लोगों को विश्वास रहे कि हम अगर पेपर लिख रहे हैं, दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से दे रहे हैं। करप्शन से मध्यम वर्ग, जो गरीब तबका, जो आम व्यक्ति है, जो बहुत पैसे वाले हैं उनको तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिस व्यक्ति को पेट काट के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, वो व्यक्ति जानता है कि दिहाड़ी क्या होती है, रोज पैसे कमा के चूल्हा जलाना क्या होता है, तो उन लोगों को करप्शन सबसे ज्यादा प्रभावित उनको करती है, इम्पैक्ट करती है। और कर्नाटक में हमने जो आरोप लगाया था बीजेपी सरकार के ऊपर, 40% कमीशन सरकार, भ्रष्ट सरकार, वो आरोप कहीं ना कहीं सच लोगों ने माना, इसलिए कांग्रेस को भारी बहुमत दिया है, जन समर्थन हमको मिल रहा है, क्योंकि हमारे इश्यूज इंपॉर्टेंट। अब जब सरकार बन जाती है तो प्रदेश का मुखिया चेहरा मुख्यमंत्री जी होते हैं हमेशा, तो मुझे लगता है हमें साथ मिलने कर करने की कार्रवाई करने की जरूरत है, वही एक तरीका है आगे ये परंपरा को तोड़ने का, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस।